हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की जो मैसेज ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर के कमाल के हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं यूजफुल आपको हिडन फीचर बताने वाला हूँ सैमसंग मैसेज का। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं बताने वाला हूँ सैमसंग का जो मैसेज ऐप होता है उसके अंदर के कमाल का हिडन फीचर या बोल सकते हैं यूजफुल फीचर आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ मैसेज पे। मैसेज पे आने के दोस्तों आपको कोई से भी यहाँ पर मैसेज को लाइक, मैंने मान लो मेरे पास ये मैसेज आया है, ठीक है। अब ये मेरे पास मैसेज आया है, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो अभी नया मेरे को हिडन फीचर जो मुझे लगा है, आप इसको यहाँ से स्वैप करके ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको ये ड्रैग करके कहीं भी ले जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप ये एच पैनल की तरफ इसको ड्रॉप करेंगे, नीचे आपको ड्रॉप हेयर टू ओपन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर शेयर करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर, सैमसंग नोट्स और सैमसंग नोट्स। सैमसंग नोट्स मतलब एड टू एग्जिस्टिंग, अगर आपका कोई पहले का नोट्स है आप उसमें एग्जिस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई नया नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं। और सैमसंग इंटरनेट, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उस मैसेज से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो आपको वेब पे सर्च करके बताएगा कैसे। देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो आप देखेंगे सैमसंग इंटरनेट पे वो चला गया है और वहाँ पर S21 का लिखा था तो उसके थ्रू वहाँ पर उसने सर्च करके आपको बता दिया है। ऐसे ही अगर आप इसको वापस यूँ स्वैप करके इधर आएंगे, अगर आपको नोट्स पे जाना है तो नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपका कोई भी पहले का नोट्स है उस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दिए और वो पूरा मैसेज आपका वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको नया क्रिएट करना हो तो सिंपल यूँ क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे या नीचे क्लिक करेंगे तो नया आपका वहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल सी, ये तो आप कर। और उसके बाद अगर आपको मान लो ऊपर की तरफ इसको ऐड करना है, आपके पास कोई से भी मैसेज हो, जरूरी नहीं कि एक कहीं के भी मैसेज अगर आपके पास हो, सिंपली अगर आप उसको स्वैप करके डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आप यहाँ पर अगर नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ राइट हैंड पे ऊपर की तरफ करेंगे एच पैनल की तरफ तो वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस मान लो मैं ऐसे हूँ, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इधर करेंगे इधर आ जाएगा और सेंटर में करेंगे तो पॉपअप व्यू में भी आपसे पूछ लेगा। मतलब कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर हमें कोई यूज़ करना, अगर आपके कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो ऑटोमेटिक आपको नेट पर सर्च करके भी बता देगा। तो कमाल का ये हिडन फीचर था, मुझे तो लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। उम्मीद इसमें एक और चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें हिडन फीचर ये है, अगर आपके कोई मैसेज है आपको डायरेक्टली उसको राइट करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप करके लाएंगे और डायरेक्ट मैसेज पर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे मैं यहाँ पर से आया और मैंने यहाँ पर उसको टाइप करने पर छोड़ दिया तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो गया। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ जाइए थ्री डॉट्स पे, जिससे भी आप चैट कर रहे हैं कस्टमाइज चैट रूम में जाएंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं चैट रूम को। और आप चाहें तो उसको अप्लाई फॉर ऑल चैट रूम भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस पर फोटो लगाना है तो आप गैलरी से भी, एल्बम से भी, कहीं से भी इसमें फोटो उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैंने ये फोटो लगा दिया, यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया और मैं अप्लाई फॉर ऑल चैट कर दूंगा तो जितने भी मेरे मैसेज पे चैट्स होंगी सब पे मेरी ये फोटो या बोल सकते हैं मेरा बैकग्राउंड थीम सब पे अप्लाई हो। कैसे, तो मैंने आपके सामने यहाँ से उसको कर दिया अप्लाई और यहाँ से कर दिया बैक। तो आप देखेंगे अब हर मैसेज पे मेरा बैकग्राउंड पे ये फोटो ऑटोमेटिक आ गया को आप देख सकते हैं। तो यही कुछ हिडन फीचर थे सैमसंग मैसेज के थ्रू जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जैसी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।